भाइयों बहने, सभी भाई बंधुओं, सभी साथियों को एक दीवाने देश के दीवाने समाज के लिए अपना काम करने वाले गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी की ओर से नमस्कार प्रणाम सलाम। आप आए तो ये बाहर आइए, देखो रौनक है, भाई बोलन लाग रहे, भाषण लाग रहे, सरकार को हिला रहे। आप आए तो ये बाहर आइए, कार्यक्रम को सफल करने की सबको गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी की ओर से बधाई है। साथियों, भाई ने एक बात कही, रेल उखाड़ देंगे, वो कर देंगे, कोई जरूरत नहीं, तुम डटे रहियो, आप पे सारा काम हो जाएगा, उखाड़ने की जरूरत कौन पड़े, तुम यो आंदोलन जोर पकड़ाए रखो, क्या की जरूरत कौन पड़े, रेल भी अपनी है, उखाड़नी नहीं है, और काम भी सारे अपने हैं। इस सरकार को पलीता लगाना, जता के दही के भाव में जिस तरह कपास खावा है, इब खान लग रही है, इसने पता नहीं था भाई दही है कि कपास है। किसान आंदोलन में मेरी माता जी से पूछा गया, जो अपना मालिक में ध्यान में रखते हैं, कि भाई क्या है, क्या होगा, बोले वो गोली चाल देगी, वो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बंदूक मेरी माँ बोली इनका गिरने को नहीं और झुकना पड़ेगा। तो भाई एक तपस्विनी का वचन है, और मेरा भी यही विचार था, मैं कहा इब का फंसे असली फंडा, तो किसानों ने जो आंदोलन करे उसके लिए मैं देश के किसानों का और दूसरे लोगों का जो इसमें हिमायत कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूं पूरे देश की माता बहनों का, विशेष कर अरे मोदी का भी धन्यवाद करूं, क्यों क्योंकि भाईचारा बढ़ा दिया, भाई जान गए एक दूसरे ने के है ये मोदी का धन्यवाद है। पंजाब हरियाणा में दूसरी जगह फूट डालने की साजिशें हुई, आज हमारी एकता है, ये मोदी जी का धन्यवाद है, उसने यो विघन करया तो आज पूरा देश एक हो रहा है, ये बात। तो बस साथियों, ये जरूरी है कि आप आंदोलन करें, आंदोलन में आते रहें, ये नहीं है कि हाँ भाई चलो हो गया, घना हो गया। अरे भाई 1857 की लड़ाई और 47 की लड़ाई और कैसी कैसी लड़ाई चली है, बहुत लंबे लंबे आंदोलन चले, लोगों ने प्राण गंवाए, लाखों लोगों ने, आप तो इकट्ठे होकर दिखा दोगे वो बहुत है। अरे ये बात 70 साल से जो किसान आज भुगत रहा है, उस किसान की बात को रखना पड़ेगा, आगे मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कुछ दिन लग सकते हैं, जिंदा तो जिंदा मरकर भी औरों के काम तुम आया करो, जिंदा तो जिंदा मरकर भी औरों के काम तुम आया करो, अरे फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो, उजड़े हो बाग किसी का पौधे तुम भी वहां नहीं लगाया करो, अरे इंसान बनकर आयो तुम, इंसान बनकर आयो तुम, अपने समाज और देश के लिए भी कुछ करते जाया करो, जिंदा तो जिंदा मरकर भी औरों के काम तुम्हारा। ये शरीर ऐसा बना लिया मैंने, क्यों बना लिया, आप तो घने सारे हो, इतने में तो हरियाणा झुक जाए, और दिल्ली में बैठे तो देश झुक जाए, और झुकेगा सरकार, झुकेगी सरकार के पैर नहीं होते, सरकार के पैर होते हैं जनता, लोकतंत्र के पाए में पैर होते हैं, लोकतंत्र के पाए बने हुए जनता है, संविधान है, और संविधान है तो जनता के लिए है, सरकार जनता के लिए है, जनता के लिए ना कि सरकार के लिए जनता, उसको यह सोचना चाहिए भाई जनता के लिए बनी है तो जनता की बात सुने। साथियों, आप लोगों ने जो एकता और जो भाईचारा प्रेम दिखाया वो प्रशंसनीय है, दूसरी बात डटे रहो, आते रहो, शांति प्रिय करते रहो, और मैं अकेला था 4.5 साल से मेरा धरना चल रहा है राजीव नगर में, शांति नगर में, जो बड़ी नहर से लिंक नहर आती है, रजवाए आते हैं, उसमें लैटरिन कट्टी पेशाब मरे जीव कुत्ते बिल्ले आया करते, महावीर कॉलोनी जलगर हिसार में, और वो पानी पीने के लिए सप्लाई होता था, कोई साथी नहीं, मैं देखने गया था और धूप में बैठ गया एक लाई, कुछ दिन साथ जुड़े लोग, लंबी बात करने से समय लगेगा, टेंट बैनर भी खुद का, मेरे पास 2 बीमे थे तो बचा के रखता है आदमी, 2 बीमे की रकम आंदोलन में लगा दी, 2 बीमे की रकम आंदोलन में लगा दी, और टेंट बैनर दरी तक खुद का, इसार के विधायक ने मरवान भी भेजे कि मैं सुअर पड़े देव मारन आए, बहुत पीछा हुआ, लेकिन वो आंदोलन सफल करके आज कौन नहर 8 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड है, जींद नरवाना तुसा माधमपुर हिसार सब जगह अंडरग्राउंड है, पूरे हरियाणा के लिए लागू करवा दिया, जानती थी भी नाटक,
दुष्यंत चौटाला जी धरने पे आए, बाद में वो मना करके कि नहीं होगा। और भी नाच गए, बोले बावड़ा हो रहे पागल है। मैं बोला पूरा पागल हूं, स्वच्छ भारत कैसे होगा जब टट्टी मूत का पानी पेट में जाता है डिग्गी द्वारा। क्यों जी? मैं कहा स्वच्छ भारत के लिए इसको अंडरग्राउंड करो, फजूल का खर्चा लगाया जा रहा है इधर उधर। और वो अंडरग्राउंड है आज, लोगों को पानी पीने का अच्छा मिल रहा है और उसके बहुत फायदे हो गए। माता बहनों का जो आना जाना अच्छा हो गया, वहां से जो जो हालात थे क्राइम घट गया। तो मैं अकेला ये कर सकता हूँ, आप क्या नहीं कर सकते? आप तो बहुत सारे हो, ये इन्होंने सोचिए थोड़े से हैं, ये इतने में बहुत है। वैसे तो यहाँ भरा रहा है, जो गांव में माँ बहन बैठे हैं, भाई बंद हमारे ताऊ चाचे बुजुर्ग बैठे हैं, सारे समर्थन में हैं। और मेरा दूसरे लोगों से आह्वान है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसको एक जन क्रांति मानो साथियों। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये एक साजिश है, विश्व लेवल की, वर्ल्ड लेवल की साजिश। इस आंदोलन को आप ऐसा मानिए कि जन जन का आंदोलन है। दूसरे लोगों को, व्यापारी वर्ग है, मजदूर किसान से लेकर जो भी वर्ग है, जाति धर्म को छोड़ के सभी वर्ग इसके अंदर है और सभी का भला है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने गड़बड़ी की है वो किसान से शुरू होती है। महात्मा गांधी ने कहा था जिस दिन किसान और गांव की सोच से सरकारें चलेगी उस दिन भला होगा। वो भला क्यों नहीं हुआ आज तक? क्योंकि सरकारें शोषण करती आई है, किसानों के नाम पर वोट लेते आए नेता और अफसर। कहां गए सारे? है तो सारे मां के नायडे, एक से एक पट के सत्ता आती है तो बदल जाते हैं। पहले भाजपा ने अपना जो है अपना अर्थनगर होके फिरा करते, स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए फिरा करते, आज कहां गए? ये सारी चीजें कहां है? सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठा है सीने में, सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठा है सीने में। मेरे देश के हालात हो इस कदर खराब तो मौज कहां मुझको जीने में। ये मैंने आपको अपनी जिंदगी की बताई है, हमारा कर्तव्य है। ये यहां से गाड़ियां निकले करती है, आज आपने यहां पे बैठे हो तो ये कितना सकारात्मक पहलू है। साथियों, हमारे ताऊ चाचा बुजुर्ग गांव वाले सोचते हैं, युवा साथी सोचते हैं, कई बैठे रहते हैं फालतू गांव में या शहर में जहां भी है। मेरा निवेदन है कि वो भी आंदोलन को समर्थन दे, वो समर्थन दे। रेलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी संख्या बल और आपकी मजबूती सबसे बड़ी बात है। सरकार को झुकने पर विवश करेगी, झुकना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। थोड़े से राजनीतिक लोगों से बच के रहो, राजनीति ना हो, बाकी सारा कुछ ठीक है और बहुत बढ़िया चल रहा है शुरू से आज तक और अच्छा ही चलेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ, भाई ने थोड़ा समय का इशारा किया, फिर कभी आपके बीच, माता बहनों के लिए ताली बजाओ भाई जरूर है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे इंकलाब, सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। सबका धन्यवाद।